हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही अमीर रेसिपी। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाए और खाने में बहुत ही अमीर लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप हमने कच्चे आलू तीन लिए, इसका छिलका उतार कर हमने धोकर और ये ले लिए, आप देख सकते हैं। और इस तरह छोटे छोटे टुकड़े में हम इसका कट कर लेंगे। सारे आलू इसी तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद एक पानी से इसे और धो लेंगे ताकि आलू साफ़ हो जाए। और धोने के बाद इसे हम 15 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे ताकि आलू बॉईल हो जाए। यहाँ 15 मिनट हो चुका था, आलू अच्छी तरह से बॉईल हो चुका था। तो अब आलू को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, एकदम बारीक मैश करेंगे। अगर आपके पास बॉईल आलू है तो ले सकते हैं, नहीं तो जल्दी में बनाना है तो इस तरह से बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से आलू बॉईल हुआ है। तो अब इसे हम मैश कर लेंगे, एकदम बारीक मैश करेंगे, इसमें एक भी टुकड़ा ना रहे। आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से मैश कर लेते हैं और मैश करने के बाद आपको दिखाते हैं। बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम सारे आलू को मैश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से मैश हो चुका था, आप देख सकते हैं इसमें एक भी टुकड़ा नहीं है। अगर आप इसे आलू मैशर से भी मैश कर सकते हैं तो एकदम आसानी से मैश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम आसानी से मैश हो चुका है। तो चलिए अभी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून नमक लिए हैं, स्वाद अनुसार ये डाल देंगे। और यहीं पर हमने हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए, ये डाल देंगे। आप अपने हिसाब से रखिएगा तीखा। और डालने के बाद यहीं पर हमने हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर लिए, ये डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो इन सबको डालने के बाद यहीं पर हमने एक कप कॉर्नफ्लावर लिए, ये डाल देंगे। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मैश मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम मिक्स कर लेंगे चम्मच की सहायता से, क्योंकि आलू अभी गर्म है तो हाथ लगाएंगे तो जल जाएगा। तो इसी तरह से हम मैश कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम मैश कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप भी बनाइएगा, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर हमने हल्का मैश किए थे। और यहीं पर हमने आधा कप धनिया की पत्ती काट कर ले ली, हमने धनिया की पत्ती थोड़ा सा ज़्यादा काट कर लिया है। और ये डाल देंगे। और इसे डालने के बाद अभी से इसका डो की तरह तैयार कर लेंगे, एकदम जिस तरह से आटा का डो रेडी होता है उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं, तो इसे हाथों से पहले आप मसल कर और इस तरह से मुलायम कर लेंगे और बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बना रहे हैं। इसी तरह से हम इसे डो की तरह रेडी कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डो की तरह रेडी हो चुका है। तब चलिए इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने इस तरह से लिया और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगा देंगे, तेल लगाने से चिपकेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से बन जाए। देखिए इसमें इसे बेलना नहीं है, सिर्फ हाथे से ही बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे पहले अच्छी तरह से मुलायम कर लेंगे इस तरह से, उसके बाद इसे हाथों से दबा कर ये देखिए इसी तरह से हम गोल आकार में इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसी तरह से हम हाथों से दबाते हुए इसे बड़ा कर लेंगे और इसी तरह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से बना लेंगे, इसमें एक भी क्रैक नहीं रहेगा। इसी तरह से हम दबाते हुए इसे बड़ा करके बना लेंगे। आप देखते रहिए किस तरह से मैं बना रही हूँ। आप देख रहे हैं किस तरह से मैं बना रही हूँ। और यहाँ तक वीडियो देख लिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर हमने बना लिया, आप देख सकते हैं इसमें एक भी क्रैक नहीं है, बिल्कुल आसानी से बन गया है। और इस तरह किनारे से इसे इस तरह से हम कर देंगे, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी शेप में आ जाएगा। यहाँ पर रेडी हो चुका था तो इसे हम कट कर लेंगे। इसे हम टोटल 8 पीस में कट करेंगे, आप देख सकते हैं। तो इसे हम इसी तरह से कट कर लेते हैं। ये देखिए ये टूटेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से कट हो जाएगा। आप इसे कोई बच्चा भी बना सकता है। ये देखिए इसी तरह से हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। और टोटल अगर आलू बॉईल रहेगा तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे बनाने में। तो ये देखिए इसी तरह से हम कट कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने कट कर लिए, तो चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं। और निकालने के बाद इसे हम तुरंत फ्राई करेंगे, इसे रखेंगे नहीं। उसी तरह से हमने पहले तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे और तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका था। तो हम एक एक करके इसी में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो चाकू की सहायता से डाल देंगे, इसे जलने के चांस नहीं रहेगा, बिल्कुल आसानी से इस तरह से हो जाएगा और फ्राई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक एक करके हम डाल देते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ हमने डाल दिए, तो इसे अभी टच नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन हो जाएगा नीचे से, उसके बाद हम इसे पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से हम इसे फ्राई कर लेते हैं। और इसे टोटल फ्राई करने में हमें 8 मिनट लगा था। तो ये देखिए अब ये हल्का हल्का ब्राउन हो चुका था नीचे से, तो इसे पलट देते हैं और पलट कर दूसरे तरफ से इसे फ्राई कर लेते हैं, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे इसे। तो ये देखिए इसी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो एक एक करके हम निकाल लेंगे और इसे टिश्यू पेपर पे निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो इसी तरह से हम निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। सेम तरीके से हम दूसरा बैच फ्राई करेंगे, तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं सारे को।
यहाँ पर हमने सारे निकाल लिए और सेम तरीके से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेंगे। ये भी बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाएगा। तो इसी तरह से हम दूसरा बैच फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर दूसरा बैच भी फ्राई हो चुका था, आप देख सकते हैं। तो इसी भी निकाल लेंगे और निकाल कर उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिए थे सारे। ये देखिए आप कितना यम्मी दिख रहा है ना, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। ऊपर से क्रिस्पी रहता है और नीचे से सॉफ्ट रहता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप देख सकते हैं कितना यम्मी दिख रहा है ना। तो आप लोग इसे अपने मनपसंद चटनी के साथ सर्व कीजिएगा। और रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।